भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दूसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाना है। आपको बता दें कि टीम इंडिया पिछले 17 साल में इंदौर में एक भी मैच नहीं हारी है, इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश होगी कि टीम इंडिया के इस 17 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए। वहीं टीम इंडिया की कोशिश होगी कि तीन मैच की खेली जा रही इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच जीत कर इस वनडे सीरीज को अपने नाम किया जाए। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा प्रदर्शन रहा है, साथ ही ये भी जानेंगे कि आज के इस मैच में जो कि इंदौर में खेला जाना है उस इंदौर के पिच में सबसे ज्यादा रन किस प्लेयर ने बनाए हैं, और आपको ये भी पता चलेगा कि इंदौर की इस पिच में सबसे ज्यादा विकेट्स किस खिलाड़ी ने लिए हैं, और ये भी जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में खेले गए पिछले मैच में क्या हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही साथ क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग और वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के वर्ल्ड कप के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देख सकते हैं। केएल राहुल अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज जिताने के लिए आज उतरेंगे। तीसरा वनडे राजकोट में खेला जाना है, उस मैच में नियमित कप्तान रोहित शर्मा की भी वापसी हो जाएगी। 5 अक्टूबर से खेले जाने वाले वर्ल्ड कप से पहले भारत इस सीरीज के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन वनडे मैचों के सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने मोहाली में खेले गए वनडे में 5 विकेट से जीत हासिल करी थी। उसकी नजर इंदौर में अब दूसरे मुकाबले में जीत कर सीरीज को 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने पर होगी। इस साल टीम इंडिया यहाँ दूसरी बार कोई वनडे खेलेगा। जनवरी में उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ 90 रन से इसी ग्राउंड पर जीत हासिल की थी। भारत ने 2006 में पहली बार इंदौर में वनडे खेला था, तब उसने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया था। उसके बाद से अब तक टीम इंडिया ने यहाँ 6 वनडे खेले हैं, इस दौरान सभी मैच में उसको जीत हासिल हुई है। जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले की बात करी जाए तो दोनों टीमें यहाँ पर 2017 में भी एक बार आमने सामने भिड़ चुकी हैं, जहाँ पर टीम इंडिया ने उसे 5 विकेट से हराया था। वहीं अगर हम ये बात करें कि इंदौर में किसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, तो इंदौर में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं, उनके नाम पर 2 वनडे में 220 रन है। वहीं रोहित शर्मा ने 5 वनडे में 205 रन बनाए हैं। मौजूदा टीम में शामिल खिलाड़ियों की बात करें तो शुभमन गिल ने एक मैच में 112 रन बनाए हैं। अगर शुभमन गिल 109 रन की पारी खेल जाते हैं किसी तरीके से तो वीरेंद्र सहवाग के सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ देंगे। वहीं अगर हम ये बात करें कि इंदौर में किसने सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो भारत के लिए इस मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज श्री संत हैं, उनके नाम पर एक मैच में 6 विकेट हैं। दूसरे मैदान पर कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव ने यहाँ 2 मैच खेले और 5 विकेट झटके हैं। हालांकि आज के इस मैच में कुलदीप यादव हमको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, और मौजूदा टीम में शामिल खिलाड़ियों में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं। वहीं अगर हम ये बात करें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के पिछले मैच में क्या हुआ था, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इंदौर में एक बार आमने सामने हो चुकी है। तब स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए और विराट कोहली भारत के लिए कप्तानी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। उसने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 293 रन बनाए थे। एरन फिंच ने 124 और स्टीव स्मिथ ने 63 रन, साथ ही साथ डेविड वार्नर ने 42 रन की शानदार पारी खेली थी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए थे। टीम इंडिया ने 47.5 ओवर में 5 विकेट पर 294 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया था। हार्दिक पांड्या ने 78 रन और रोहित शर्मा ने 71 रन और अजिंक्य रहाणे ने 70 रन की पारियां खेली थी। वहीं मनीष पांडे ने भी नाबाद 36 रन और विराट कोहली ने 28 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा 2 विकेट्स लिए थे। आपको बता दें कि इस सीरीज के आखिरी मैच में जो कि राजकोट में खेला जाना है, वहां पर रोहित शर्मा की वापसी हो जाएगी। केएल राहुल अपनी कप्तानी में टीम को सीरीज जिताने के लिए आज उतरेंगे और तीसरा वनडे राजकोट में खेला जाना है। वेल गाइस, क्रिकेट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, साथ ही साथ आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के वर्ल्ड कप की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। वहां पर आपको वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स एंड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।